Good evening to everybody. This is Prashanti Dasri. I'm from India and I'm actually a born Christian. I just wanted to know, is Holy Spirit there in Islam according to Quran? So inshallah, if the four questions are answered, yes, if you are convinced 100% will accept Islam. Inshallah, I will accept Islam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। हमारी आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उस औरत के बारे में जिसने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से निहायत अहम सवालात पूछे। उस औरत ने कहा कि मेरा नाम प्रशांति वासरी है, मैं इंडिया से ताल्लुक रखती हूँ, मेरा दिल इस्लाम की तरफ माइल है, लेकिन मेरे जहन में कुछ शकूक व शुबहात हैं जिनके बारे में मैं वजाहत चाहती हूँ। मैं मजहब के लिहाज से एक ईसाई औरत हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि आपने अपनी वीडियोस में खास तौर पर जिक्र किया था कि रूहुल कुदस का वजूद मौजूद है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस्लाम और कुरान रूहुल कुदस मुकद्दस रूह के बारे में क्या कहते हैं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि पुरानी बाइबल में आया है कि खुदा की रूह पानी पर मंडला रही है, इस औरत ने कहा कि इस हवाले से भी मुझे इस्लाम की रूह से वजाहत चाहिए। फिर उस औरत ने कहा कि असल में मेरे पास चार सवाल हैं और आज मैं इनके जवाब लेकर जरूर जाऊंगी। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि अगर मैं इन चार सवालात के जवाबात दे दूं तो क्या आप मुसलमान हो जाएंगी? तो वो औरत बोली, जी हाँ, मैं जरूर मुसलमान हो जाऊंगी। तो हाल में खूब तालियां बजीं। दोस्तों, हम आपको डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के जवाबात से आगाह करेंगे। आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए। मजीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। सवालात को तफसील से दोहराने के बाद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि रूहुल कुदस का कॉन्सेप्ट कुरान में वैसा नहीं जैसा कि ईसाइयों में है। ईसाई रूहुल कुदस को तीन खुदाओं का हिस्सा मानते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। नाज़रीन, अकीदा तसलीस ईसाइयों का अकीदा है जिसमें वो खुदा के साथ शरीक करते हैं और तीन खुदाओं को मानते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि अगरचे लफ्ज़ तसलीस बाइबल में भी कहीं नहीं है, तसलीस में ये लोग बाप, बेटा और मुकद्दस रूह तसव्वुर करते हैं। बाप यानी नाउज़ुबिल्लाह खुदा ताला, जब बेटे की बात होती है तो बेटा ईसा अलैहिस्सलाम है। जब ये लोग मुकद्दस रूह की बात करते हैं तो जिसने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया वही रूहुल कुदस है इनके नजदीक। लेकिन हमारा ये मानना है कि कुरान हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बात कर रहा है जिनका काम अंबिया को वही पहुंचाना था। हम इस पर यकीन रखते हैं कि वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ही थे जो कि रूहुल कुदस थे। लिहाजा अगर आप ये कहें कि वो एक रूह है तो कोई मसला नहीं, लेकिन वो खुदा का हिस्सा नहीं है, यानी वो खुदा नहीं है। रूहुल कुदस दोनों अलग अलग है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला से अलग है और जो रूह बाइबल में बताई गई है वो भी अलग है। ये जो उनको एक कहा गया है ये चर्च की तालीम है, ये पादरियों की मन घड़त बातें हैं। लफ्ज तसलीस तो बाइबल में है ही नहीं। अगर आप कुरान मजीद पढ़ें तो इसमें तसलीस का लफ्ज दो जगह आया है। एक सूरह निसा की आयत नंबर 171 में जहां फरमाया गया वला तकुलू सलासा, तर्जमा तीन खुदा मत बोलो। दूसरी जगह सूरह मायदा की आयत नंबर 73 में तसलीस का जिक्र आया है जहाँ ये कहा गया है कि वो कुफर करते हैं जो तसलीस को मानते हैं। अलबत्त बाइबल में जो तसलीस के करीब तरीन वर्स है वो फर्स्ट एपिसल ऑफ जॉन की वर्स नंबर 7 है। इसमें लिखा हुआ है कि वो तीन हैं, बाप, बेटा और मुकद्दस रूह, जो कि तीनों एक ही हैं। अगर आप रिवाइज हाइथाइड स्कॉलर्स की बाइबल पढ़ें, ये ईसाई स्कॉलर्स हैं, वो ये कहते हैं कि फर्स्ट एपिसल ऑफ जॉन की ये वर्स मनगढ़ंत है, खुद से लिखी हुई है, उन्होंने ये वर्स बाइबल से निकाली हुई है। लिहाजा रूहुल कुदस और अल्लाह ताला अलग अलग है और कुरान में मुकद्दस रूह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बताया गया है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि मैं आपके अगले सवालात सुनना चाहता हूँ। उस औरत ने अगला सवाल ये किया कि जो अंबिया कराम होते हैं इन्हें सिफारिश का हक हासिल होता है, यानी वो खुदा और हमारे दरमियान सिफारिश का जरिया बन सकते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि सिफारिश का मतलब ये हुआ कि करने वाला खुदा होगा और वो उससे दरखास्त करेंगे। यहाँ ये बात समझनी होगी कि अल्लाह ताला को किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। जब हम दुआ करते हैं तो बरह रास्त अल्लाह ताला तक पहुँचती है। कुरान पाक की सूरह गाफिर की आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुझसे मांगो, मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हारी दुआ का जवाब दूंगा। लोग इस बात को गलत साबित करने के लिए मिसाल देते हैं कि अगर आप अदालत में केस करें तो जज के सामने खुद को सही साबित करने के लिए आपको वकील करने पड़ते हैं। इसी तरह से खुदा के पैगंबर हमारे वकील हैं। ये दलील उस जज के लिए तो ठीक है जो इंसान है, क्योंकि जज को नहीं पता होता कि क्या गलत है और क्या सही है, इसलिए वकील असल मुल्जिम को पहचानने में जज की मदद करता है। लेकिन अल्लाह ताला कायनात का रब है, उसके
पास तो इल्मे गैब है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं जो उसे बताए कि गलत क्या है और सही क्या है, लिहाजा ये कहना गलत है कि उनकी यानी पैगंबरों के जरिए से सिफारिश की जाए। हाँ, कोई दुआ कर सकता है तो ठीक है, अगर पैगंबर जिंदा हो तो जरूर उनके सहाबा दुआ की दरख्वास्त करते हैं, जब वो फौत हो चुके हैं, दुनिया से चले गए हैं, तो अब अल्लाह ताला से बरह रास्त ही दुआ कीजिए। एक पैगंबर इंसानियत के लिए दुआ तो कर सकता है, इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है कि कयामत के दिन जिसे मैं इजाजत दूंगा वो सिफारिश कर सकेगा। एक हदीस पाक में भी आया है कि खसूसी दुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाएगी कि वो लोगों की सिफारिश करें। लिहाजा कुरान और दूसरी किताबों से ये पता चलता है कि अंबिया कराम दुआ कर सकते हैं, वो दुआएं करते थे, लेकिन किसी नबी को खुदा से सिफारिश का जरिया बनाना सरासर गलत है। डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने मजीद ये भी फरमाया कि अल्लाह के अलावा किसी से भी दुआ करना और ये कहना कि फलां खुदा से ज्यादा करीब है तो वो मेरी सिफारिश करेगा, ये गलत है। उस खातून ने कहा कि मेरा आखिरी सवाल ये है कि नई बाइबल में बुक ऑफ एक्स में पॉल ने बहुत सारी जुबानों का जिक्र किया है, आप क्या कहते हैं, इस्लाम में इसका क्या कॉन्सेप्ट है? जवाब में डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने फरमाया कि अगर आप मुझे हवाला दे दें तो मुझे सवाल समझने में आसानी होगी, क्योंकि बाइबल में बहुत दफा और बहुत अंदाज में जुबानों का जिक्र है, लेकिन आमतौर पर अगर आप गॉस्पल ऑफ मार्क पढ़ें तो वो कहती है कि जो कोई भी यकीन रखने वाला होगा गैर जुबानों को समझने और बोलने के काबिल होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप खुदा पर यकीन रखते हैं तो आप गैर जुबानों को भी समझ सकते हैं और बोल भी सकते हैं। लिहाजा जब मेरा डॉक्टर विलियम कैंबल से मुनाजरा हुआ तो मैंने इन्हें इंडिया का 100 का नोट दे दिया, और आप जानती होंगी कि इंडियन नोट पर 22 जुबानों में लिखा हुआ होता है, तो मैंने डॉक्टर विलियम कैंबल से कहा कि अगर आप सच्चे यकीन वाले हैं तो इंग्लिश के अलावा दूसरी जुबानों को पढ़ें, वो नहीं पढ़ सके। कुरान में भी बहुत से हवाले हैं जहां जुबानों की बात हुई है। कुरान मजीद की सूरह रूम की आयत नंबर 22 में जिक्र हुआ है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को मुख्तलिफ जुबानों और रंगों के साथ पैदा किया है ताकि आप एक दूसरे को पहचान सकें। एक और जगह कुरान पाक में आया है कि कयामत के दिन इंसानों की आंख, नाक, कान, जुबानें सब बोलेंगे, जो कुछ इंसान ने किया होगा उसकी गवाही देंगे। उस औरत ने कहा कि मेरा आखिरी सवाल यह है कि मेरे एक मुस्लिम दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि मैं पुरानी बाइबल पढ़ूं फिर कुरान पढ़ूं, जैसे कि आपने कहा कि कुरान सबसे आखिरी वही है, तो एक मुसलमान के तौर पर आप मुझे क्या मशवरा देंगे? डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने फरमाया कि मेरी बहन, ये जरूरी नहीं कि आप पुरानी बाइबल पढ़ें, अगर आप नई और पुरानी बाइबल को पढ़ने की बात करती हैं तो फिर कुरान सबसे आखिरी किताब है, आप उसको पढ़ें। अब मैं आपके एक सवाल करता हूं, फर्ज करें आपके पास किताब की नई और पुरानी दोनों एडिशन मौजूद हैं तो आप किस एडिशन को तरजीह देंगी? तो उस औरत ने जवाब दिया कि मैं नए एडिशन को ही तरजीह दूंगी। तो डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने फरमाया कि तो फिर कुरान सबसे नया एडिशन है और सारी उससे पहले वाली किताबें मर्दूद और रिजेक्ट हो चुकी हैं, अब चलेगा तो कुरान ही चलेगा। हाँ, मैं यूं कह सकता हूं कि आप पहले पुराना एडिशन पढ़ें फिर नया पढ़ लें, और मैं यूं भी कह सकता हूं कि आप पहले नया एडिशन पढ़ें पुराना भी पढ़ लें। इसी तरह मैं आपको कहूंगा कि पढ़ें, पुरानी बाइबल भी पढ़ें लेकिन कुरान जरूर पढ़ें, और इन दोनों में जो चीजें मुश्तरक हैं, इन सब किताबों में जो चीजें मुश्तरक हैं, वो सिर्फ ये कि खुदा एक है, वरना कुरान के अलावा दूसरी किताबों में गलतियां मौजूद हैं। अल्लाह ताला सिर्फ एक है, अकेला है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे नहीं हैं बल्कि पैगंबर हैं। इसके अलावा ये सारी किताबें ये कहती हैं कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दोस्तों, आखिर में डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने उन खातून से पूछा कि आप इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ बिल्कुल। डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने पूछा कि क्या आप यकीन रखती हैं कि खुदा एक है, क्या आप यकीन रखती हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे नहीं? तो डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने मजीद सवाल पूछे। आइए उनकी असल आवाज में ये सवाल और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की शहादत को सुनते हैं। So you accepting out of free will, sister? Yes, but that is the reason I asked you many questions. Mashallah. Out of free will. Hope, I hope no one is bribing you. No. You know, because in India, when after many people accept Islam, the CID, the police go there, ask how much dollars Dr. Zakir Naik give you. I tell them I have given them currency of the akhirah, and that's accepted. So inshallah, sister, I will say in Arabic and you can repeat it. Okay. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness
witness that there is no God, that there is no God but Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. MashaAllah, sister, you're a Muslim. Yeah. And may Allah subhanahu wa ta'ala accept your effort. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that to guide you further and inshallah give you the best in this world as well as the akhirah and grant you a place in paradise, inshallah, sister. Thank you.